अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हाजिर हूँ सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें लेके, और इसमें खबरें रहेंगी अब जो है गल्फ़ कंट्रीज़ में भी, लाइक एक गल्फ़ कंट्री है वहाँ भी जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, और उसके बाद से बहुत सारे हज़ारों की तादाद में लोगों को एक हफ्ते में पकड़ा गया सऊदी अरब से। और अगर आप जो है लखनऊ एयरपोर्ट से ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए जो बेहद ज़रूरी अपडेट है, जो लखनऊ से ख़ास करके दुबई जाते हैं उनके लिए, तो ये वीडियो जो है आप आखिर तक देखेंगे, आप लोगों को पूरा अपडेट पूरा न्यूज़ समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले जो आप लोगों से न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से आया सऊदी अरब से। सऊदी अरब में जो है 15 लोगों को अरेस्ट किया गया है। वो लोग क्या कर रहे थे कि जो वॉयलेटर रहते हैं या जब बॉर्डर सिक्योरिटी उल्लंघन करते हैं उन लोगों को जो है और रियायत और काम मुहैया करा रहे थे। ऐसे 15 लोगों को अरेस्ट किया गया है और उनके ऊपर जो है 15 मतलब ईच पर्सन जो है 15 साल का जेल होगा और 1 मिलियन का जो है उन लोगों को फाइन लगेगा ईच पर्सन। तो ये काफ़ी जो है वो चीज़ें वहाँ पे ऐसी हो रही हैं कि लोग वॉयलेटर को जो है लेके और उनको जो है रिहाइश मुहैया करा देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन मुहैया करा देते हैं, उसके खिलाफ़ जो है बहुत ज़्यादा कड़क कानून जो है वहाँ पे अपनाए जा रहे हैं। दूसरा जो अपडेट आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा वो जो है लखनऊ से दुबई जाने वालों के रिगार्डिंग है। लखनऊ से दुबई जाने वाले विजिट वीज़ा पे, जो लोग विजिट वीज़ा पे जाते हैं तो विजिट वीज़ा पे जाने की कुछ रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप कभी किसी भी कंट्री में आप विजिट वीज़ा जाते हैं तो कुछ रिक्वायरमेंट, वैसे ही दुबई आप जाते हैं विजिट वीज़ा पे तो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास जो है दोनों तरफ का टिकट होना चाहिए, लाइक रिटर्न टिकट होना चाहिए, वैलिड वीज़ा होना चाहिए और होटल बुकिंग का डिटेल्स होना चाहिए। ये चीज़ें अगर आपके पास है तब जो है आपको बोर्डिंग दिया जाता है किसी भी एयरपोर्ट से। तो इसे जो है लखनऊ एयरपोर्ट से ऐसे कई सारे लोगों को पिछले दिनों जो है गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट किया गया, उनको बोर्डिंग नहीं दिया गया है कि उन लोगों के पास जो है रिटर्न टिकट जो मिला है वो रिटर्न टिकट डमी है। तो एजेंट लोग जो है नकली टिकट दे देते हैं, डमी अलग चीज़ होता है, नकली टिकट अलग हो जाता है जो ऑनलाइन शो नहीं करता है। और जब वो टिकट वो रैंडमली चेक करते हैं जिसका भी टिकट ऑनलाइन शो नहीं करेगा उसको रुका देते हैं, बोर्डिंग नहीं देते हैं, वापिस भेज देते हैं, या फिर उसको जो है 420 का केस लगा के अंदर भी कर देते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं। तो ऐसा करते हुए कई सारे लोगों का, मैं आप लोगों को न्यूज़ कटिंग लगा दूंगा, ये पिछले 2 दिन या उसके पहले भी बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया वहाँ से और ऐसा करते हुए रोका गया। इसमें होता क्या है कि अगर कोई भी जो ट्रैवल एजेंट है उसे आप टिकट ले रहे हैं तो आप जो है रिटर्न टिकट लीजिए। रिटर्न टिकट वो लोग वैलिड टिकट देते हैं, लाइव टिकट देते हैं जो कि शो करेगा एयरपोर्ट पर। अगर उस पर अगर एयरपोर्ट पे कोई रोकता है तब आप उसको क्लेम कर सकते हैं, वो शो करेगा, फिर आदमी वहाँ जाता है तो वो लोग उस टिकट को कैंसिल कर देते हैं, उसको डमी टिकट बोलते हैं नॉर्मली लोग। वो लाइव टिकट होता है, फिर वो जाके जैसे वो आदमी दुबई पहुँचता है या सामने कंट्री में पहुँचता है वो टिकट कैंसिल कर दिया जाता है। तो इस तरह अगर आप करके जाएंगे तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि आपकी रिटर्न टिकट लाइव शो करेगी कि आपका ये फलाने डेट का रिटर्न है। और अगला जो न्यूज़ है वो सऊदी अरब में जो है 16,860 यानी करीबन 17,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है मात्र एक हफ्ते में। इसमें जो है जो बॉर्डर सिक्योरिटी के उल्लंघन वाले होते हैं या जिनका इकामा वगैरह एक्सपायर हो जाता है, गलत तरीके से सऊदी अरब में रह रहे हैं, ऐसे लोगों को जो है पकड़ा गया है। या कई लोग ऐसे होते हैं कि भीख मांग रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इसे बहुत सारे लोगों को मिला के लगभग 17,000 के करीब लोग मात्र एक हफ्ते में सऊदी अरब में पकड़े गए हैं। तो जांच अभियान जो है वहाँ पे काफ़ी जो है सख्ती से किया जा रहा है और लोगों को पकड़ के जेल में डाल के डिपोर्ट भी किया जा रहा है। तो ये जो 17,000 लोग हैं इनके ऊपर अगर मुकदमा चलने लायक रहेगा तो मुकदमा भी चलेगा, और नहीं ऐसा मतलब शॉर्ट एंड कट वाला जो केस हो जाता है, लाइक वो हुरूप में है, भाग के काम कर रहा है, वो सब टहरील में जाते हैं, डिपोर्टेशन सेंटर में जाते हैं और उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है, और ऐसे लोग जो है लाइफ टाइम सऊदी अरब जो है किसी भी वीजा पे नहीं आ सकते हैं। इसके बाद से अगला जो खबर आ रहा है वो रियाद पुलिस ने जो है 3 लोगों का अरेस्ट किया है। वो 3 लोग क्या करते थे, किसी के घर का कांच या दुकान का कांच, आपको मालूम है दुकान शॉप्स वगैरह रहते हैं ना, तो वहाँ पे या रेस्टोरेंट कुछ भी रहे तो वहाँ ऐसे इंडिया जैसा शटर नहीं लगाया जाता, मैक्सिमम वो कांच ओपन रहते हैं, ओपन 24/7 कांच के दरवाजे रहेंगे, वो दरवाजे लॉक रहेंगे लेकिन ट्रांसपेरेंट रहेंगे, अंदर तक आपको दिखता है, तो कांच तोड़ के कोई भी अंदर एंट्री ले सकता है। ऐसा जो है ये लोग करते थे और 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। उन लोगों का यही इरादा रहता है कि भाई कांच तोड़ो, अंदर जाओ, सामान चोरी करो और निकल जाओ। तो ऐसे लोगों का CCTV कैमरे में ये लोग का जो है कारनामा कैद हुआ, और एक बंदे ने ट्विस्ट देखे, एक बंदे ने इन लोगों का वीडियो बनाया, मतलब वीडियो CCTV से निकाला और सोशल मीडिया पे डाल दिया। इस बिना पे ये 3 आदमी तो अरेस्ट हो गए, लेकिन ये जो आदमी ने वीडियो डाला है इस आदमी की भी तलाश है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि किसी भी तरह का ये एक तरह से पुलिस का
जो है मदद करने वाली चीज़ है कि हम जो है सर्कुलेट कर रहे हैं और मदद कर रहे हैं, पुलिस इनको पकड़ेगी तो हमको वाहवाही मिलेगी वो, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होता। अगर आप खुद से कोई भी वीडियो सर्कुलेट कर दिए बिना अथॉरिटी को दिए, आप अथॉरिटी को दे दीजिए, उनका काम है, वो लोग देखेंगे सर्कुलेट करेंगे और जो है उन लोगों को पकड़ेंगे, लेकिन आप खुद से ये बन जाएंगे कि भाई हम ही सर्कुलेट करेंगे तो इसमें आप भी दोषी पाए जाएंगे और उस आदमी की तलाश हो रही है। तो अगर आप लोग भी ऐसा करते हैं तो वीडियो वगैरह वहाँ पे कुछ भी जो है किसी का शेयर मत करिएगा। अगला न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा जो कि ओमान से आ रहा है। ओमान में जो है 4.1 के ये में स्पीड में जांचा गया, फील किया गया कि वहाँ भी भूकंप आया है। तो भूकंप जो है हर जगह तबाही मचा रहा है। अभी तुर्की में जो है कई बार आके गया, फिर आ भी रहा है, सीरिया में भी बुरे हालात हैं और भी आजू बाजू कंट्रीज़ में आ रहा है, लेकिन अभी ओमान तक भी पहुंच गया कि ओमान में भी ये फील किया गया है आज के डेट में। तो अगर कोई भी दोस्त मेरे ओमान से वीडियोस को देखते हैं, ओमान में हैं, तो वो मुझे जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो को करता हूँ यहीं समाप्त, मिलता है ऐसे कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।